हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब फ्रेंड्स ये थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम है हमारे पास फॉर एनी रियल नंबर एक्स और एलिमेंट एक्स ऑफ एनी आर्किमिडियन फील्ड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर एन सच दैट एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। यानी एक हमारे पास ऐसा नंबर मिल जाएगा, या तो जो एक्स होगा वो एन माइनस वन से बड़ा होगा या छोटा होगा। फॉर एनी रियल नंबर एक्स के लिए हमारे पास कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर मिल जाएगा कि दो इंटीजरों के बीच में, जो दो लगातार इंटीजर होंगे उसके बीच में वो नंबर लाइज कर रहा होगा। ये फिर सिंपल सी बात है, सिंपल है। अब उसको हम प्रूव करें, जैसे कोई रियल नंबर 2.3 तो उसके लिए 2 एंड 3 मिल गया। ये जो इंटीजर पार्ट है वो छोटा पार्ट हो जाएगा और इंटीजर प्लस 1 जो होगा वो बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो एन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एन, तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर इस तरह से मिल जाएगा। इसको प्रूव करते हैं। इफ एक्स देन इंटीजर, अगर कोई एक्स इंटीजर है देन एक्स बराबर एन, एन थ्योरम इज प्रूव। थ्योरम क्यों प्रूव हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि एक्स बराबर हमने एन मान लिया तो लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर गया। एन माइनस वन तो छोटा होगा, यानी एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू एन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इस कंडीशन में थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। अब हमने लिया है कि अगर जो एक्स है वो इंटीजर पार्ट नहीं है, तो एक इंटीजर पार्ट नहीं होगा तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी इंटीजर पार्ट क्या होता है, जैसे कोई पार्ट है जो इंटीजर पॉइंट नहीं है, 2.333 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.333। यानी कि अगर हम कोई भी पॉइंट नंबर रियल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट दोनों का सम होता है वही होता है हमारे पास। अब तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश, वेयर एक्स डैश इज इंटीजर पार्ट एंड एक्स डबल डैश इज फ्रैक्शन पार्ट। ये हो गया फ्रेंड्स, एम्प्लाइज जो एक्स डैश है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है और जो फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो जीरो से और वन के बीच में होता है। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट एक्स और जो एक्स डैश है वो इंटीजर पार्ट है, एक्स डैश बिलोंग्स टू जेड, लेट एक्स डैश बराबर एन। अब हमने एक्स डैश बराबर एन लिया है तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन जो होगा वो एक्स डैश होगा, यानी एक्स डैश इंटीजर पार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश लेस देन इक्वल टू एक्स डैश प्लस वन होता है, क्योंकि ये एक्स डबल डैश की वैल्यू होती है जीरो से लेस देन इक्वल टू वन के बीच में होती है, जो ये हमने लिखा है जीरो से लेस देन इक्वल टू का भी साइन नहीं लगता, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन वन, जीरो और वन के बीच में होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एन लेस देन इक्वल टू एन प्लस एक्स डबल डैश लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन, या एन लेस देन एक्स, क्योंकि एक्स प्लस एक्स डबल डैश था, जो एक्स प्लस एक्स डबल डैश क्या था मेरे पास, वो एक्स था, तो एन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन। तो इस तरह से हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाती है।